देख ही रहे हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं और काम करने की तमन्ना है। इस पर कोई ऐसा दाग नहीं है जो लोगों को खराब लगे। और हमारे अभी तक जो हम जिन उम्मीदवारों का नाम देखे हैं उस सब को वो चाहे कि जनता कभी न कभी किसी न किसी रूप में टेस्ट कर चुकी है। बीजेपी की तो ये पुरानी आदत है, जब काम हो तो काम करो और नहीं तो हटा दो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये तो बीजेपी की पुरानी आदत रही है, जब जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, फिर बाद में हटा दिया जाता है। वैसा ही उन्होंने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, आप वो सुनिए। देख ही रहे हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं और काम करने की तमन्ना है। और हमारे अभी तक जो हम जिन उम्मीदवारों का नाम देखे हैं वो सब को वो चाहे कि जनता कभी न कभी किसी न किसी रूप में टेस्ट कर चुकी है। राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है? नहीं, सभी लोग अपना उम्मीदवार दिए हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं उनको जनता, सबसे बड़ी बात है मेरा उम्मीदवार नौजवान है, इस पर कोई ऐसा दाग नहीं है जो लोगों को खराब लगे। तो मैं समझता हूँ ये सबको टेस्ट कर चुकी है जनता, इस बार इनको निश्चित रूप से मौका देगी। अच्छा, वीआईपी में टूटने का बीजेपी की तो ये पुरानी आदत है, जब काम हो तो काम करो और नहीं तो हटा दो। उनको महागठबंधन में भी तो टूट हुई, कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग प्रत्याशी उतारते हैं अब। नहीं, महागठबंधन की टूट ठीक बात है, हम लोग चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं ना है ये काम कराए हटा दिए। हम लोग एक साथ लड़े थे, किसी न किसी कारण बस हम लोग बाय इलेक्शन जो हुआ उसमें मेरा अलायंस नहीं हुआ। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में भी कोई ऐसा सामंजस्य शुरू ही नहीं हुआ, तो हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं ना है जो हमको उपयोग किए हटा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो सरकार की ज़रूरत थी तो उसको रखे, अब नहीं ज़रूरत है तो हटा दिए। मैं समझता हूँ जो बीजेपी की जो अपनी नीति है उसी पर वो काम कर रही है। अभी सहनी जी को हटाई, मणिपुर में यहाँ अलायंस में पार्टनर था जदयू, अब उसके 6 विधायक को तोड़ के अपने पाले में ला लिया। देखिए उसका डिसीजन वो लेंगे, हम अपने पार्टी नहीं, हम लोग से ना कोई ऑफर मांगे हैं ना हम लोग उस पर कुछ विचार किए हैं। ऑफर कब होता है, जब कोई मांगता है तब ना यस या नो। हम कहेंगे तो आप साथ मिलाएंगे? वो डिसीजन मेरा आला कमान लेगी, जो किससे हाथ मिलाना है किससे नहीं मिलाना है। कौन पार्टी अपना कौन किसके बारे में बोल रहे हैं, सब पार्टी का? तो आपने सुना कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने क्या कुछ कहा है, मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने ये सारी बातों को कहा है। दरअसल बोचहा में उपचुनाव है, ऐसे में आज नामांकन का अंतिम दिन है और कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में वो पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने ये सब कहा है। और उन्होंने राजद के सवाल पर भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उनका एयरलाइंस नहीं बन पाया था, इस कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे उपचुनाव में। उपचुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि इस्तेमाल और करके छोड़ दिया जाए, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। वहीं मुकेश सहनी को लेकर ऑफर पर कहा कि ये उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि क्या करना है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करिए।